यूपी के बिजनौर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जहां पुलिस लगातार बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है, वहीं अब भी कुछ बदमाशों को पुलिस और कानून का जरा भी खौफ नहीं है। लेकिन पुलिस भी अपराध के खात्मे के लिए बदमाशों की धरपकड़ में लगातार लगी हुई है। इसी कड़ी में बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 10,000 के इनामी बदमाश को पकड़ लिया गया। पुलिस ने इनके पास से बिना नंबर की 2 मोटरसाइकिल, तमंचा और लूट के 50,000 रुपए बरामद किए हैं। बिजनौर से शौकीन की रिपोर्ट।